अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, ईद की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकें ईद उल फितर की। तो आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज 30 रमज़ान रखने के बाद ईद का दिन नसीब हुआ है और बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, आप सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे जहान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। खुशियों का दिन है, खुशियों बांटने का दिन है। तो आज आप इस वीडियो में आ गए हैं तो आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि ईद के दिन हमारी क्या रूटीन रहती है, पूरा दिन हम क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे ताकि आप जान सकें कि ईद के दिन पर हम लोग क्या चीज़ें करते हैं। तो वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक देखें। इस वीडियो से बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईद का त्यौहार, ये सबका है त्यौहार और इस सबके त्यौहार को आज मनाते हैं सेलिब्रेट एक साथ। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। ईद की शुरुआत में हम आज सबसे पहले कुछ नया करने वाले हैं। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम अपने भाई बहनों के घर जाके उनको स्पेशली इनवाइट करके आएंगे। ऐसे क्या होता है, ईद के एक दिन पहले हम कॉल करके बुलाते हैं, बट इस बार हमने थोड़ा चेंज किया है। हम ईद वाले दिन ही जा रहे हैं उनके घर सरप्राइज़ देने, उनको पता ही नहीं है। नो फ़ोन कॉल्स, सीधा डायरेक्ट विजिट, और जाके ब्लॉग में भी आपको दिखाएंगे और जाके उनसे मिलके उनको इनवाइट करके फटाफट घर वापस आएंगे, क्योंकि हमारे घर में भी गेस्टों ने आना है ना। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो गया है तो ये 1.5 घंटे में हमें 5 घर कवर करने हैं। जितने जल्दी हो सकता है वो करेंगे और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या खाने को मिलता है, सब आपको दिखाते हैं और चल के वहाँ पे उसके बाद वापस घर आते हैं और सारी रूटीन आज आपको कवर करते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखो इरम कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट करके बताओ यार। देखो, एथनिक वेयर डाला है इसने पहली बार, ठीक है ना। और बाकी हम दोनों तो क्यूट है ही यार, इरम का तो चलो गाइस, चलते हैं अभी अपनी, सबसे पहले चलते हैं अपनी बहन के घर, फिर वहां चल के आपको दिखाते हैं। ओके। आपका बड़ी बड़ी मुबारक है। बधाई। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी बड़ी बड़ी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और इतना टाइम लगा दिया आपको। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ईद मुबारक। खैर मुबारक। बड़ा टाइम लगा दिया आपने। बस तो मेहमान आए। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और बच्चे भी ना। सो फ्रेंड्स, हम आए थे दीदी के घर, अभी निकल गए यहाँ से, मिल लिया हमने, छोटी बिरयानी भी खाई
और ज्यादा टाइम था नहीं क्योंकि अभी दूसरी बड़ी सिस्टर है उनके घर जाना है, फिर भैया के घर जाना है, घर पे गेस्ट भी आने वाले हैं। तो दीदी के घर से हो आए हम, तो अब निकल रहे हैं दूसरी दीदी के घर जा रहे हैं, है ना। तो फटाफट फिर वहां से घूम के सारा आपको घर पहुंचा के फिर बताते हैं। देखो यही है ईद, आना जाना, कभी हम जाते हैं इनके अपनों के घर, फिर वो आते हैं हमारे घर, यही चलता रहता है ईद में, है ना। चलो अभी चलते हैं बड़ी दीदी के घर, फिर वहां चल के आपको बताते हैं। ओके तो फ्रेंड्स आ गए हम आज घर पे, सारी जगह से घूम के। हमने आपको बताया था पहले गए थे हम बड़ी बहन के घर, वहां से गए अपनी फूफी के घर, फिर गए एक और सिस्टर है हमारी डिगैने में रहती है उसके घर गए, खाया पिया सब कुछ किया, पेट भर गया, अब फाइनली घर आ गया क्योंकि घर पे हमारे भी मेहमान आ रहे थे। आप देख सकते हैं ये तमन्ना की भाभी है, ये पहली भाभी, ये दूसरी भाभी। तो ये बेसिकली इनका घर जम्मू में भी है, दो घर है, एक सुजमा में है इनका मायके और ससुराल है इनका जानीपुर में। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, तो आज हमने काफी अच्छा सेलिब्रेट किया। देखो ईद इसीलिए मनाई जाती है कि हम एक दूसरे के घर जाएं, प्यार बांटे, प्यार परोसे, और यही एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि आप भी किसी से अगर नाराज हो, कोई आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, तो उसे नाराजगी छोड़ो यार, जाओ कॉल करो, मिलो, कल का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी रहनी नहीं रहनी, आज हंसो खेलो खुशियां मनाओ। तो आज इस ब्लॉग को यही खत्म करेंगे, हमारे मेहमान थोड़े से आज तो हाँ, एक छोटी इरम की फ्रेंड आई है, आपको मिलाते हैं उससे। ये है आइजल, ये नाम हमें बहुत पसंद था, इन्होंने रख लिया, चलो कोई बात नहीं। देखो कितनी क्यूट है, सो रही है, हाय कर दो, हाय हाय, जबरदस्ती हाय करवाएंगे हम। ओ बिचारी, और इरम को हम दिखाते हैं। देखो इरम बिचारी आज थक गई है, सुबह से उठी है और मस्त खराटे वाली नींद सो रही है, और तमन्ना भी आज थक गई है, सुबह से बेचारी दिहाड़ी लगा रही थी काम कर करके थक गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक शब्बा खैर, अलविदा, बाय बाय। तो सारे भी बोल देंगे बाय बाय।